वैसे एक बात मैं आपको बता दूं कि जिसे आप नायशा कहते हैं ना, वो नायशा नहीं है। नायशा को इस घर से दूर रखने की कोई ना कोई तरकीब मैं ढूंढ ही लूंगा, पर इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। ये मेरी चेयर है, यहां मैं बैठता हूं। छोटे, तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे कहीं का मिनिस्टर हो। जो तेरी चेयर चली जाएगी तो मिनिस्टर भी चली जाएगी। तो इस चेयर पे बैठ के खा या उस चेयर पे, खाना तो पेट में ही जाएगा ना। रुद्र, एक बात पूछूं? खुराना साहब, पूछने लायक बात हो तो जरूर पूछिए। तुम काम क्या करते हो? अच्छा सवाल है, भाईगिरी समझते हैं? समझते हैं ना? वही करता हूं। देख बेटा, प्लीज अब तू कोई ऐसा ऐसा काम मत करना। मेरा अपना हाँ बिजनेस है, तू मुझे हेल्प कर। क्यों? भाईगिरी भी तो बिजनेस है। मैंने आपसे कहा कि आप अपना बिजनेस छोड़कर मेरे बिजनेस में मेरी हेल्प करें। प्लीज रुद्र, समझने की कोशिश कर। गलत राह पे चलने वाले को अंत में अंधेरा ही मिलता है। मैं नहीं चाहूंगा कि तेरा आने वाला कल अंधेरमय हो। तुझे तो सूरज की रोशनी में रहना है। मैं भी यही चाहता था कि मैं एक अच्छी जिंदगी जीऊं, सूरज की तरह चमको। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बचपन से ही जिंदगी के अंधेरे ने मुझे ऐसा घेरा कि मैं उससे कभी बाहर नहीं आ पाया। कोई मुझे रास्ता दिखाने वाला नहीं था, कोई मुझे बताने वाला नहीं था। तब कहां थे आप जब मैं रोशनी के लिए तड़प रहा था? कहां थे आप? और आज जब मुझे इस अंधेरे की आदत हो गई है, टॉर्च की रोशनी से मेरा अंधेरा दूर करना चाहते हैं। रुद्र, तेरी आने वाली जिंदगी में अंधेरा नहीं है, रोशनी ही रोशनी है। पुरानी बातों को भूल जा। कहना आसान है मिस्टर खुराना, मुश्किल होता है बीती बातों को भूल जाना। एक बात कहूं, जब तू मुझे मिस्टर खुराना बुलाता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे कोई थप्पड़ मार रहा है। वैसे तो तेरी मर्जी, पर अगर तू मुझे डैड या पापा कहेगा तो अच्छा लगेगा। मुझे भी अच्छा लगता अगर बचपन में मुझे कोई बेटा कह के बुलाता। कोई मेरे लिए घोड़ा बनता, मैं उसके पेट पे बैठकर घोड़ा गाड़ी खेलता। मैं जब गलती करता तो मेरे कान खींचता, मुझे डांटता। हमेशा यही सोचता था कि दूसरे बच्चों की तरह मैं भी किसी को पापा क्यों नहीं बुला सकता? कौन है मेरा? हमेशा यही सोचता था कि काश मेरे पापा मेरे साथ होते। लेकिन सोचने से क्या होता है, जाने से क्या होता है?
इन सब बातों से ही पेट भर गया। गुड नाइट खुराना साहब। ठीक लग रही हो आज तक? अच्छा, अब मैं आपको ठीक लगती हूँ? पहले तो कितनी तारीफ करते थे मेरी। मेरा मूड ठीक नहीं है। क्या हुआ करण? तुमने देखा नहीं डिनर टेबल पे रुद्र ने पहले मेरी चेयर ले ली और डांट भी कुछ नहीं बोली। ऐसा लग रहा था कि डांट को रुद्र के अलावा और कुछ नजर ही नहीं आ रहा। ये रुद्र धीरे धीरे मुझसे मेरे सारे हक छीन रहा है। करण, कोई आपसे आपका हक नहीं छीन। जो आपका है हमेशा आपका रहेगा। और पापा जी ने आपसे क्या कहा था कि उन्हें आपका साथ चाहिए? तो दे दीजिए ना। ऐसे छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मानते। पापा जी ने देखा नहीं किसी ने मेरी चेयर छीन ली। और बुरा मानना चाहो ना, मैं भी आपकी बातों का बुरा मान सकती हूँ। किस बात का? आपने मेरी तारीफ नहीं की जबकि आपकी तारीफ पर मेरा पूरा पूरा हक है। अच्छा जी, तुमसे तुम्हारा हक कोई नहीं छीने। जरा देखो तो तुम स्मार्ट तो बहुत हो लेकिन थोड़ी ब्यूटीफुल होती तो मेरे लिए परफेक्ट है। अच्छा, जरा मैं भी तो आपको ठीक से देखूं। करण, आप ना बहुत हैंडसम है। बस थोड़ा सा दिमाग होता आपने तो आप मैच करते। अच्छा, शैतान की नानी हो तुम? आप शैतान की नाना है। अच्छा चलिए एक अच्छी सी कहानी सुनाइए। अच्छा, एक था नाना एक थी नानी, दोनों में प्यार हुआ और खत्म कहानी। चले राजा कौन बन गए। क्या बात है डॉली जी, ऐसे घूर क्यों रही है? मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। ओहो बल्लू जी, तुसे भी ना टू मच हो। आप मुझे ये बताइए आज तारीख क्या है? ओ डॉली जी, मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई कैलेंडर नहीं जो इतने हक से तारीख पूछ रही है। अब बताइए ना कौन सी तारीख है। आज 4 तारीख है, लेकिन ये तारीख क्यों पूछ रही है? आपकी याददाश्त चेक कर रही थी जो दिन ब दिन कम होती जा रही है। डॉली जी, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि आज 4 तारीख है, मेरी याददाश्त आपको कहां से कम लग रही है? आपके बर्थडे के दिन से। मेरे बर्थडे के दिन से? पर वो तो अभी आया नहीं। बल्लू जी, आपका बर्थडे आ गया है, आज आपका बर्थडे है। तेरी, आज मेरा बर्थडे। हैप्पी बर्थडे बल्लू जी। थैंक यू डॉली जी, थैंक यू। मैं जानती थी हर बार की तरह इस बार भी आप भूल ही जाएंगे। वो डॉली जी इसलिए भूल जाता हूँ कि मुझे पता है ना कि आप याद रखेंगे। आज आपने मेरी उम्र का एक और साल बढ़ा दिया। अब वक्त को तो हम रोक नहीं सकते ना बल्लू जी, वो तो बढ़ता ही रहता है। सही कह रही हैं डॉली जी, देखते देखते करण बड़ा हो गया, उसकी शादी हो गई, बहन भी अब बड़ी हो गई है। दिन कैसे कट जाते हैं पता ही नहीं चलता। आपको याद है बल्लू जी, जब पहले हम में से किसी का बर्थडे होता था, आपका, मेरा, पैम का, करण का, तब हम सब कहीं घूमने जाते थे। पर अब तो वो सिलसिला जैसे खत्म ही हो गया है। वो सिलसिला फिर से शुरू होगा डॉली जी, चिंता मत कीजिए।
बस घर का माहौल थोड़ा ठीक होने दीजिए। हैप्पी बर्थडे डैड। थैंक यू पुत्र। हैप्पी बर्थडे पापा जी। थैंक यू पुत्र। देखिए डैड, मैं आपके लिए क्या स्पेशल चीज लाया। अरे वाह, गिफ्ट क्या है इसमें? इसमें जो आपको पसंद है। चॉकलेट्स? टैब चाहिए था मुझे। टैब? टैब है? अब डायरी है? करण यार, आप वॉच लेके आए? इसमें वॉच ही है। अच्छा, कौन सी कंपनी की? वो चुप। मुझे पता है आस्था पुत्र ही ले आई है। पापा जी, आज आपके बर्थडे की पार्टी तो बनती है। पार्टी इस बार रहने देते हैं, अगली बार करेंगे। मतलब एक साल बाद? पापा जी, बाद की पार्टी बाद में करेंगे, आज की पार्टी आज ही होनी चाहिए। प्लीज पापा जी, छोटी सी पार्टी, छोटा सा सेलिब्रेशन। समझाइए ना आप। मैं क्या बोलूं? मुझे लगता है पार्टी कर लेनी चाहिए। अरे चलो ठीक है, कर लेते हैं, केक काट लेंगे, और ज्यादा शोर शराबा नहीं, ज्यादा म्यूजिक नहीं, अच्छा खाना बना लेना तुम, ठीक है? डैड, ये तो वो बात हो गई कि हंसो भी और दांत भी मत दिखाओ। रुद्र, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे? ये कोई इमरजेंसी मीटिंग चल रही है क्या? मुझे घर से निकालने के लिए? अरे बेटा रुद्र, आज पापा जी का बर्थडे है, आप विश नहीं करेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, इन्होंने तो मेरे हर बर्थडे पे पटाखे फोड़े थे, जो मैं इनको बर्थडे विश करूं? जब इनको मेरे बर्थडे से कोई मतलब नहीं था तो मुझे इनसे क्या मतलब है? आज तक मैंने अपने सारे बर्थडे के केक्स अकेले ही काटे हैं इनकी ना मौजूदगी में, और तुम कहती हो कि इनको बर्थडे विश करो। छोड़िए ना डैड, वैसे भी ये हो या ना हो हमें क्या फर्क पड़ता। छोटे, तेरी आदत नहीं गई ना? जब दो बड़े बात कर रहे हैं तो बीच में क्यों बोल रहा है? फुल पैंट पहनना सीख लिया तो अपने आपको बड़ा समझने लगा? जा, नीचे स्कूल बस खड़ी है, वेट कर रही है। करण, आपको मार्केट जाना था ना, वो आज ने आज पूजा रखी है तो वो सामान लाने। ठीक है आस्था, मैं ला देता हूँ। कितने बार बोला ऑफिस टाइम पे आ जा करो, बट तुमने मेरी बातों को कभी सीरियसली लिया? कभी बोलती हो कि मेरे मोबाइल फोन छूट गए, कभी बोलती हो कि ऑटो रिक्शा खराब हो गई, कभी बोलती हो सड़क ठीक नहीं थी, कभी बोलते ट्रैफिक जाम लग गया था, पता है ऑफिस में कितना पेंडिंग वर्क है। बस बस बस, अरे आज पापा जी का बर्थडे है इसलिए मैं लेट हो गई। निशान, बर्थडे पहले बताया क्यों नहीं मुझे? अरे बताती तो तब ना जब तुम सुनते। चलो सॉरी यार, एक काम करो ना, मेरे तरफ से विश कर दो ना उन्हें। मैं क्यों करूं, तुम कर दो। वो क्या है ना कि मुझे उनसे थोड़ा डर लगता है, क्योंकि जब भी उनसे मिलता हूं हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि शादी के बारे में क्या सोचा है, शादी के बारे में थोड़ा सा डर तो लगता ही है ना। तो ठीक है ना, इसका आंसर तो सिंपल है। क्या? उनसे कह दो कि तुम्हारे पास सोचने के लिए दिमाग कम है। बहुत फालतू बातें हो। चलो ये डिजाइन देखो कैसा है।
हाँ वाओ निशान, वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। वेरी नाइस ना, वो तो मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छा डिजाइनर हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारी आंखें इतनी अच्छी हैं। तुम डिजाइन्स को उल्टे भी समझ लेती हो, वाओ दैट्स अ टैलेंट। ठीक है ठीक है, तो क्या होता है कभी कभी। हाँ हाँ, अच्छा चलो ये सब बातें छोड़ो, तुम मुझे एक डिजाइन बना के दिखाओ। ये लो, और ये लो फिर। तो कौन सी बनाओ? जो तुम्हें अच्छी लगे। मुझे तो तुम अच्छे लगते हो। मैं तुम्हारी शक्ल बना दूं? शक्ल बनाने के लिए ना एक डिजाइन बनाओ जो कि हटके होना चाहिए, समथिंग समथिंग डिफरेंट। हटके? हटके क्या, पेपर से बाहर चले जाऊं? अरे यार तुम डिजाइन बनाओ। बना। बर्थडे तुम्हारे ससुर जी का है और गिफ्ट मुझे? मेरे ससुर जी होने से पहले वो आपके पिता हैं। अगर आप उन्हें ये गिफ्ट देंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अच्छाई की बीमारी है क्या तुम्हें? उन्हें अच्छा लगेगा। अरे मुझे नहीं अच्छा लगाना किसी को, मेरे पास इन सब चीजों का फालतू टाइम नहीं है, इसलिए प्लीज मेरा पीछा छोड़ो और जीने दो मुझे, प्लीज जाओ यहां से। ये घर आपका है रुद्र, हम सब आपकी फैमिली हैं, आपके अपने हैं। अभी आप चाहे जितना मना करो, पर एक ना एक दिन ये सच्चाई आपको माननी ही पड़ेगी। नहीं मानूंगा मैं, क्या कर लोगी, कोई जबरदस्ती है क्या? नहीं चाहिए मुझे ऐसी फैमिली, ऐसा घर। जब मुझे फैमिली चाहिए थी तब तो मिली नहीं, और आज जब मुझे नहीं चाहिए तो पता नहीं क्यों तुम लोग मेरे पीछे पड़े हुए हो। कोई आपके पीछे नहीं पड़ा है रुद्र, हम सब आपको अपना मानते हैं और इसलिए आपसे भी यही उम्मीद रखते हैं। अपनेपन की कदर करना सीखिए रुद्र, नफरत में कुछ नहीं रखा है। वाह बहुत अच्छा बोल लेती हो, लेकिन आस्था तुम्हें नहीं पता कि माँ को खोने का दर्द क्या होता है, अपने बाप के प्यार के लिए तड़पना क्या होता है। मुझे सब पता है, मेरे पैदा होते मेरी माँ ने दम तोड़ दिया और मेरे पापा ने मुझे इसका जिम्मेदार मान लिया। मेरे पापा मुझसे नफरत करते थे, मुझे उनका प्यार कभी नहीं मिला, लेकिन जब मिला तब मैंने उनसे नफरत नहीं प्यार किया। पिता का दर्जा बहुत ऊंचा होता है रुद्र। अच्छा तो पिता का दर्जा बहुत ऊंचा होता है, इसलिए मुझे उनके जन्मदिन पर उनको गिफ्ट देना चाहिए, क्यों? ये लो, दे दिया गिफ्ट, यही चाहती थी ना? जब आपको किसी की भावनाओं की कदर ही नहीं है तो आपसे बात करना ही बेकार है। बुआ जी आपको नीचे बुला रही हैं पूजा के लिए, आ जाइए। पूजा के लिए मैं क्या करूंगा पूजा में आके? भगवान की लिस्ट में तो मेरा नाम है ही नहीं, उनकी लिस्ट में तो आप लोगों का नाम है, तो आप ही लोग करो पूजा। और हाँ, अगर ये घंटी वंटी बजानी हो तो थोड़ा धीरे बजाना, मेरे गानों तक आवाज नहीं आनी चाहिए। वो क्या है ना,
मेरी उनके साथ बनती नहीं। चलिए हम मुझे पूजा का पाठ पढ़ाने। आशा पुत्र, रुद्र कहाँ है? वो अपने कमरे में हैं, उन्होंने आने से मना कर दिया। मैं अभी लेके आता हूँ उसको। नहीं नहीं बलकार, जिसके मन में श्रद्धा होती है ना, वो अपने आप आ जाता है, और जिसके मन में श्रद्धा नहीं, जो नहीं आना चाहता, उसको बुलाने का कोई फायदा नहीं। रहने दे, तुझे आरती आती है या भूल गया? अब आती है ना दीदी। चल फिर शुरू कर। हाँ। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, आरती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। रुद्र, जरा म्यूजिक का वॉल्यूम कम करो। चलो शुक्र है, इसको इतनी अकल तो आई। चल आरती गा। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत उसने है पर ना माता सुनी कुमाता, माता सुनी कुमाता। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, यार ओ मैया हम सब उतर तेरी आरती। My life waiting at the door. Me pee. Main? Ha. Pee. Lekin kya na Khurana sahab, ye jo nasha hai na, ye sharab mein nahi hota. Nasha sharab mein hota तो नाचती बोतल।